हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शेखोपुरा के पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, खास तौर पे आपके लिए इस जबरदस्त इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे ख्याल में आज आतिशबाजी देखें, तकरीर रहने देता हूं मैं। खुदा का वास्ता इतना ज्यादा कर दिया। अच्छा जी, शेखपुरा के पाकिस्तानियों, मैं इस शानदार इस्तकबाल का आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और शुएब सिद्दीकी, आपके साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इस आतिशबाजी का मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज से 4 साल पहले शेखपुरा में मैंने जलसा किया और आप यकीन करें कि इससे 10% भी लोग नहीं थे। दस फीसद भी जो आज लोग आए हैं वो नहीं थे। तो मैं आप सबको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। उसने हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश दी है। वो कहता है कि उनके रास्ते पे चलो जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी। वो ये नहीं कहता कि अगर तुम उनके रास्ते पे चलोगे तो मैं तुम्हें कामयाब करूंगा। वो सिर्फ अल्लाह हमारे से कोशिश चाहता है, मेहनत चाहता है, जद्दोजहद चाहता है। कामयाबी उसने अपने हाथ पे रखी हुई, कामयाबी वो देता है। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस शानदार जलसे को उसने कामयाब किया और आपके दिलों में डाला। और खास तौर पे इतनी ज्यादा ख्वातीन जो शेखपुरा में निकली हैं, आपको भी अल्लाह ने आपके दिलों में डाला कि आप भी शिरकत करें एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए, एक अजीम मुल्क बनाने के लिए।
मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले शेखपुरा इसके डिप्टी कमिश्नर, मैं जितनी मुजम्मत आपकी कर सकूं वो कम है। क्या मुश्किल थी हमें स्टेडियम में जलसा करने के लिए, क्यों नहीं इजाजत दी? अब मैं यहां देख रहा हूं सामने मुश्किल में है, तारों के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जगह कम पड़ी हुई है। डिप्टी कमिश्नर, क्या शहबाज शरीफ तुम्हारा बाप लगता है? क्या तुम जब इस दुनिया से जाओगे तो शहबाज शरीफ को जवाब दोगे या अल्लाह को जवाब दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि डर के, एक डर के अपने जमीर का सौदा करके कितनी मुश्किलों में लोगों को डाला यहां। उसके बाद मैं आज शेखोपुरा के लोगों, मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूं अपनी जो असल बात से पहले। इनके खिलाफ शरीफ खानदान और इनकी नून लीग के खिलाफ आज लोग खत्म नबूवत की वजह से सड़कों पर निकले हुए हैं। अल्लाह जो है वो अलहक है, सच है। अल्लाह का वादा है कि मैं सच तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। यही नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ और यही नून लीग। जब मैं सियासत में आया, इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है। एक खातून वहां से मुसलमान होकर पाकिस्तान आती है और उन्होंने कहा कि वो जो मेरी बीवी थी, इन्होंने कहा कि वो यहूदी लॉबी की एजेंट है। और अभी चंद हफ्ते पहले इनका फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अमेरिका में वॉशिंगटन सोसाइटी में, एशिया सोसाइटी वॉशिंगटन में, अमेरिका में ये इंटरव्यू देते हुए कहता, इससे इंटरव्यू अमेरिकन ने, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप में और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है, नून लीग में और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है? तो जानते हैं क्या कहता? कहता नून लीग लिबरल है और तहरीक इंसाफ दीनी जमातों के साथ है। मुनाफिक, इसको मुनाफकत कहते हैं। इधर कहते हैं यहूदी लॉबी के साथ है और अमेरिका में जिनके ये जूते पॉलिश करते हैं उनको कहते हैं हम लिबरल हैं। इमरान खान दीनी जमातों के साथ है, तालिबान खान है। तो आखिर में अल्लाह हक है, आखिर में तुमने फंसना था ना। आज जो आप ये भुगत रहे हैं, कसूर आपका, क्या वो बाहर मगरबी लॉबी को खुश करने के लिए जो खुफिया तौर पे कोशिश की हल्फ को बदलने में जो कोशिश पकड़ी गई, पहले दो दफा इनके लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि कोई तब्दीली नहीं आई और फिर मानना पड़ा जब सभी कौम के सामने तब्दीली आ गई। तो आज आप देखें, आज देखें नून लीग वालों को बड़े अपने इस्लाम के अब दावे कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मिलाद नून लीग ने अपनी जिंदगी में नहीं बुलाया जो ये पिछला मिलाद बनाया गया।
वो मुझे भूलता नहीं है, आबिद शेर अली ने तो हरी पगड़ी पहनी बताने के लिए कि कितना वो बड़ा मुसलमान है। और दूसरा नवाज शरीफ, जो मोमन जब छुट्टी मिलती थी तो लंदन जाता था, एक लंदन के सबसे महंगे स्टोर में पाया जाता था जिसका नाम हेरिट्स है, सबसे महंगा स्टोर है, कर रहा होता था। इस मिलाद में वो चावल बांट रहा था और अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं आपके, अभी आपको और भी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, अभी तो आप फंसेंगे हुदायबा पेपर मिल में। हुदायबा पेपर मिल का केस ऐसा है, ख्वातीन आप भी सुन लो और नौजवानों आप भी सुनो, सारा टब्बर ही उसमें केस में आ जाता है। अगर ये शुरू में नारा था गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, जब आप हुदायबा पेपर मिल का केस सामने आएगा तो पता चलेगा कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर ही चोर है। मैं जस्टिस जावेद इकबाल, आप नैब के चेयरमैन बने हैं, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। कौम, ये वो कौम है जो सिर्फ आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि ये डाकुओं ने इस कौम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए। जस्टिस साहब, कौम नैब की तरफ देख रही है, जो पिछला नैब का चेयरमैन था वो इस कौम का मुजरिम था, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया, कोशिश हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, कामयाबी तो अल्लाह ने देनी है। अगर अल्लाह ने कामयाबी दी, जो नैब का पुराना चेयरमैन कमर जमान, मेरा वादा है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम कौम के मुजरिम हो, हमारे टैक्स के पैसे पर तनख्वाह मिल रही थी तुम्हें और तुम बड़े बड़े डाकुओं की चोरी छुपा रहे थे, पैसा पाकिस्तानी कौम का था, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था, इस कौम का पैसा था और तुम बड़े बड़े डाकुओं को बचा रहे थे। तो कमर जमान तुम्हारी तो बारी आनी है, तुम बचोगे नहीं, दुनिया में किधर चली जाओ तुम्हें हम वापस बुला के तुम्हें हम जेल में डालेंगे, सजाएं दिलवाएंगे। तो जस्टिस साहब, हमें आप पे उम्मीद है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि केस आगे चला गया हुदायबा पेपर मिल का, सारी कौम देख रही है इस केस की तरफ, क्योंकि इसमें शहबाज शरीफ का नाम है, सारी फैमिली का नाम है। और कितना पैसा था? 1.25 अरब रुपया। और ये 1.25 अरब रुपया था आज से 25 साल पहले, तब 1.25 अरब रुपया, जब इन्होंने 1.25 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी करके बाहर लेके गए, तो सुने शेखोपुरा के लोगों, उन दिनों में 5 लाख रुपए का जौहर टाउन में एक प्लॉट आता था, आज जौहर टाउन में एक प्लॉट 2 करोड़ रुपए का आता है। वो 1.25 अरब रुपया जो इन्होंने चोरी किया था, तब डॉलर की कीमत 25 रुपए थी, आज डॉलर 110 रुपए पे पहुंचने वाला है। ये तब इन्होंने इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए। तो ये कौम का पैसा है, जब तक ऐसे लोग इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, शेखपुरा के गयूर लोगों, मेरी बहनों, आपका
इस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आज आपको बताऊं कि मैं जब स्कूल में था और बड़ा हो रहा था, यह पाकिस्तान वो मुल्क था जिसका जब सदर अमेरिका गया, जब अयूब खान अमेरिका गया तो अमेरिका का सदर लिंडन जॉनसन उसको एयरपोर्ट पे लेके आया, एयरपोर्ट पे आके रिसीव किया उसको, उसको गाड़ी में लेके गए, सारी पब्लिक खड़ी हुई थी, ओपन गाड़ी में लेके गए। ये वो पाकिस्तान था तब जब हमारे तालीमी इदारे, हमारी यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे, पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, यहां की जो सनती पैदावार थी पाकिस्तान की, वो चार बड़े एशियन टाइगर की सनती पैदावार के मुकाबले में थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड। ये आपका जो मुल्क था, नौजवानों आपको नहीं पता होगा उस दौर का, तेजी से आगे बढ़ रहा था। हमारी साउथ कोरिया, मलेशिया ने आके हमारा इकोनॉमिक मॉडल समझा के कैसे पाकिस्तानी कौम इतनी तेज आगे तरक्की कर रही है। हमारी जो सिविल सर्विस थी, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, जो सरकारी नौकर थे, सिविल सर्विस, वो सारे एशिया में सबसे मानी हुई सिविल सर्विस थी। तो ये जो हमारा मुल्क था, ये हमारा मुल्क इस सारे खित्ते के लिए मिसाल बना हुआ था। हिंदुस्तान में सारे बर्रे शरीर में सबसे आगे था। और दो मुल्क की मैं अब आपको मिसाल देता हूं जो हमारे से पीछे थे और हमारे से आगे निकल गए, मलेशिया, सिंगापुर, दो मुल्क। मैं सिंगापुर गया था जब पहली दफा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट देख खेलने हैं, तो मैं वहां रुका था। आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उसका सिंगापुर का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं था। मलेशिया, मलेशिया के शहजादे हमारे साथ आके एचएसएन कॉलेज में पढ़ते थे। मैं पाकिस्तान को वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझते थे। तो हमारे सामने देखते देखते हमारे सामने वो दो मुल्क आगे निकल गए। क्या वजह थी, क्या वजह थी? उनको दो लीडर मिले। मलेशिया को महातिर मोहम्मद मिला और सिंगापुर को ली कोन यू मिला। दो प्राइम मिनिस्टर, एक सिंगापुर, एक महातिर, और उन्होंने अपने कौमों को तब्दील कर दिया। सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो अपने लिए पैसे बनाने नहीं आए थे, अपनी कौम के लिए पैसे बनाने आए थे, अपने लोगों के लिए पैसे बनाने आए थे। उन्होंने अपने इदारे मजबूत किए, मेरिट लेके आए। उनकी नैब, सिंगापुर की नैब ने तीन सिटिंग वजीरों को पकड़ा, अपने वजीरों को पकड़ा अपनी नैब ने। मलेशिया में महातिर मोहम्मद ने, उसने छोटी छोटी असेंबली प्लांट्स घरों में लगवाए इलेक्ट्रॉनिक्स के, लोगों को रोजगार देने के लिए। आज वो मलेशिया 100 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। आज उस मलेशिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान से मजदूर जाते हैं मलेशिया में काम, नौकरियां लेने के लिए। ये जो दुबई था, ये दुबई के शेख कराची आते थे छुट्टियां बनाने के लिए, आज पाकिस्तानी दुबई जाते हैं छुट्टियां बनाने के लिए। उन दिनों में दुबई से उन्होंने घर से कराची के अंदर, कराची का और दुबई का मुकाबला ही कोई नहीं था। तो वजह यह थी कि उनको मिल गए, मलेशिया में मिल गया महातिर, सिंगापुर में मिल गया ली कोन यू, और हमें मिल गए जरदारी और नवाज शरीफ।
इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, जब वो आया, सुनो उधर उधर सुनो सुनो, चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान शेखपुरा में जलसे से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह देता है और बंदा सिर्फ कोशिश करता है। जबरदस्त इस्तकबाल पर शेखपुरा के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, लोग खत्म नबूवत की वजह से सड़कों पर निकले हुए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को अपना ईमान साबित करने के लिए मिलाज शरीफ कराना पड़ा, जब तक पैसा चोरी होता रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि ख्वाजा आसिफ ने अमरीका में कहा कि नून लीग एक लिबरल जमात है। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को अपना ईमान साबित करने के लिए मिलाज शरीफ करवाना, उनका निजाम ठीक करेंगे और इंशाल्लाह मेरा वादा मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, और आखिरी बात मैं करने लगा हूं, उससे पहले सिर्फ एक चीज कि यहां जो ये शरीफों ने और जरदारियों ने मुल्क को तबाह किया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि ये लोगों इस मुल्क में मेरिट को ऊपर नहीं आने दिया, और मेरिट जब उस जिस मुल्क में ऊपर नहीं आती, जिस जो निजाम मेरिट को ऊपर नहीं लेके आता, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं जा सकता। और उस मेरिट की सबसे बड़ी ना लाने की वजह ये कि क्योंकि ये इन्होंने जान के इदारे तबाह किए, अगर इदारे तबाह ना होते पैसा ना बना सकते। तो इंशाल्लाह ये मैं आखिरी बात करने से पहले ये आपको कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो जुल्म किया है, आप देखेंगे कि ये जब इंशाल्लाह इनके इनकी आखिरी दिन है इनके, जब ये जाएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान फिर से उधर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एक अजीम कौम बनेगी। मैं आखिर में एक चीज सुने, जरा ये जरा ये जरूरी चीज सुनने के लिए आपकी, मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप में उसने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी हिंदुस्तान से। सुने जरा ये बात, उस वीडियो के अंदर एक नौजवान को दुकान में से घसीट के निकाल रहे थे 5-6 लोग, और फिर उस वीडियो में दिखाते हैं उस नौजवान को डंडों से कत्ल करते हुए। उस नौजवान का यह कसूर था कि वो मुसलमान था और वो गाय का गोश्त बेच रहा था जो कि हिंदुस्तान में कानून इजाजत देता है, उसको सिर्फ कि वो मुसलमान था और गाय का गोश्त बेच रहा था, उसको डंडों से उन्होंने कत्ल किया। मेरा बड़ा दिल खराब हुआ, मुझे तकलीफ हुई, और मेरे जेन में दो बातें आईं, और मैं ये चाहता हूं कि ये दो बातें आप मेरी सुन के जाएं यहां से। एक ये बात आई कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब वो कहते थे कि मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क चाहिए, क्योंकि वो ये समझ बैठे थे कि कांग्रेस हिंदुओं का हिंदुस्तान चाहती थी। कायदे आजम समझ बैठे थे कि जो उस वक्त का सरदार पटेल था वो आज नरेंद्र मोदी वो है। सरदार पटेल भी वो ये नहीं, उसके जेन में जब अंग्रेजों ने जाना था तो वो ये नहीं सोच रहा था कि सब कौमों की आजादी होगी, वो सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान चाहता था। और आज नरेंद्र मोदी भी वही हिंदुओं का हिंदुस्तान चाहता है। जो मुसलमानों का आज हाल हो रहा है, जो मसीहों का भी हिंदुस्तान में अब हाल हो रहा है,
तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कायदे आजम की कितनी दूर की सोच थी, वो कितने उनके अल्लाह ने किस तरह का उनको जहन दिया था कि वो तब समझ गए, वो तब समझ गए कि मुसलमानों को अगर एक अलहदा मुल्क ना मिला तो मुसलमान उसी तरह पिस जाएंगे जिस तरह आज मुसलमान हिंदुस्तान में पिसे हुए हैं। और आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो उधर के उधर ही रह गए जिधर उनके रिश्तेदार यहां छोड़ के आए थे। तो मैं तो सबसे पहले कायदे आजम आपको सलाम करता हूं कि शुक्र है कि आपने जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने की, नहीं तो तब तो मुसलमान बटे हुए थे। मुसलमान समझते थे कि कांग्रेस ठीक कर रही है, एक आदमी एक लीडर, तब उसने सोचा कि पाकिस्तान बनना जरूरी है। तो पहले कायदे आजम को मैं सलाम करता हूं। और दूसरी बात मैं आप कहना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जो मैंने वो वीडियो देखी, मैं अपने सारी कौम को आज अपील करता हूं कि हमने अपनी अकलियतों को कभी इस तरह का जुल्म उन पर नहीं करना। हमने उनको बराबर का शहरी बनाना है, हमने एक मिसाल देनी है कि ये भी इनको भी शिरकत करनी चाहिए नया पाकिस्तान बनाने में। हमने कभी वो जुल्म नहीं करना जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सारे आलम का, सब इंसानों का खुदा है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, इंसानों के, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं बन के आए थे। हमारी जिम्मेदारी है जो भी इंसान बसते हैं हमारे मुल्क में, हमने उनकी हिफाजत करनी है, हमने किसी किस्म का जुल्म उन पर नहीं होने देना। मुझे तकलीफ होती है जब हम सुनते हैं कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। ये कौन सा इस्लाम है? कुरान में तो वाज़ह लिखा हुआ है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। हमारे दीन में तो कुरान पढ़े, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए नबी, तेरा काम है सिर्फ पैगाम देना, अगले मुसलमान होते हैं नहीं तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। तो हम कौन होते हैं जबरदस्ती लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए? ये दीन, हमारा दीन तो दिमाग और दिल की बात है, ये तो जिस्म की बात ही नहीं है। तो मैं आखिर में अपने सारे पाकिस्तानियों को आज अपील करता हूं कि कभी हमें अपने मुल्क में अपनी अकलियत को, अपने हिंदुओं को, अपने सिखों को, अपनी मसीह बरादरी को, जो भी हमारी अकलियतें हैं, हमने उनकी हिफाजत करनी है, हमने उनको मौका देना है कि वो हमारे साथ शिरकत करें एक अजीम और नए पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। खवातीन आज़रा, जाने से पहले पाकिस्तान का कौमी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान